वेलकम टू फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर कैरेंसी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर ले और बेल वाली घंटी को तुरंत प्रेस कर ले, जैसे नया नोटिफिकेशन अपडेट हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज की एक ताज़ा खबर की लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्हें ये घोषणा कर दी गई है मीडिया पर, ठीक है ना। वैसे कि लॉकडाउन का अनुशासन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप घर पर रहें, सेफ रहें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं आज की वीडियो में, बने रहें आपके हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल का, ये पहला क्वेश्चन हमारा आज का। हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ दे सकते हैं RV वर्मा जी को किया गया है। किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्ले टुडे कब मनाया है? 9 अप्रैल को मनाया है, यानी बी राइट आंसर होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय रेलवे के कोर्स रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का क्या नाम है? चरक है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों के शीर्ष स्रोत के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? ना चीन ने छोड़ दिया है, ना बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP क्या होगी? ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं 1.6% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की वैश्विक अमीरों की सूची में भारत के शीर्ष अमीर मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे देख सकते हैं 17वां स्थान मिला गया है। अगला क्वेश्चन है, दी वाई जेनार्ड सीरीज सीजन 1 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोबी ब्रायंट हैं, ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर का त्यौहार पास्कल लूनर मून के किस रविवार को मनाया जाता है? यानी तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, किस योजना के तहत सरकार ने कोरोना वायरस 19 के प्रकोप को देखते हुए लगभग 32 करोड़ लाभार्थियों को DBT यानी माध्यम से 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है, यानी डेबिट की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, यानी बी राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कल के प्रश्न देख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी देख सकते हैं 11 अप्रैल को। फिर से अगला क्वेश्चन होगा, दी आर्ट ऑफ हर डील नामक जीवनी किसकी है? मेलानिया ट्रंप की है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी कर दिया है। किस IIT ने 100 से कम रुपये में उत्पादित किए जाने वाले PPE विकसित किए हैं? IIT कानपुर ने, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसने हाल ही में अल्कोहल की सैनिटाइजर बनाने में सफलता अर्जित की है? ग्रीन पिरामिड बायोमेट्रिक ने की है, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति रानंद चावला का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? यहाँ पे देख सकते हैं शास्त्रीय नायन से थी, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।